हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ साबूदाने की पकोड़े की रेसिपी, जो कि नवरात्रि में मतलब व्रत रखने वाली महिलाएं या फिर भाई बहन जो भी हो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी से थोड़ा कम साबूदाना लिया है और इसे मैं दो तीन पानी से अच्छे से धो लूँगी। यहाँ पे मैंने दो तीन पानी से अच्छे से धो लिया है। यहाँ पे आप देख सकती हैं साबूदाने को मैंने अच्छे से धो लिया है बढ़िया से। और धोने के बाद अब मैं इसमें पानी डालूंगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मैंने यहाँ पे आधी इंच कटोरी से आधी इंच कम साबूदाना लिया था और पूरा एक कटोरी भर के पानी डाल रही हूँ। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर मतलब मैंने यहाँ पर पानी डाला और कटोरी में भी देख लीजिए, हमारी फिंगर की जो आधी इंच उंगली है ना उतना ही डूबना चाहिए पानी में, उतना ही डालेंगे तो परफेक्ट साबूदाना फूल के तैयार हो जाएगा, पानी थोड़ा भी इसमें नहीं बचेगा। तो हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है और अब हम इसे 4 घंटे के लिए लगातार फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे 4 घंटे तक लगातार फुलाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा भी पानी नहीं है इसमें। अगर आप लोग में पानी रह गया है तो उसे कपड़े पे डाल के उसे पोंछ लीजिए तो पानी ख़त्म हो जाएगा, या फिर पंखा में डाल के सुखा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दो पहले से ही उबले हुए दो आलू लिए हैं जिसे कद्दूकस कर लिया है, उबला हुआ आलू है ये। उसके बाद मैं इसमें अदरक का पेस्ट और बारीक कटी हुई धनिया और हरी मिर्च डालूँगी। तीखा बना रही हूँ, तीखा और चटपटा खाने का मन ज़रूर करता होगा फास्टिंग में इसीलिए। और इसके बाद मैं इसमें जीरा डालूंगी। अगर आप जीरा खाते हैं पूजा में तो जीरा डालें, ना तो इसे स्किप कर दें। उसके बाद मैं रेड चिली पाउडर डालूंगी इसमें। हल्दी खाते हैं तो हल्दी डालें, ना तो ना डालें। उसके बाद मैं इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। अगर आप यहाँ पर सेंधा नमक खाते हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकती है। मैं सेंधा नमक भी नहीं खाती हूँ इसीलिए मैंने ऐसे इसका एक स्मूथ दो बना के तैयार कर लिया है। और अब मैं इसे हाथ में तेल लगा के इसे छुएँ, ना तो ये हाथ में चिपकने लगेंगी इस तरीके से, जैसे रोटी का मतलब डो लगाते हैं ना उसी तरीके से इसका हम बना लेंगे। यहाँ पे मैंने बना लिया और दूसरा तरीका भी हम बताते हैं आपको किस तरीके से बनाना है। देख सकती हैं, आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और एक प्लेट में दूसरे प्लेट में से हम रख देंगे। दूसरा तरीका हमारा ये है, इसे लड्डू की तरह जैसे लड्डू मोतू चीर के होते हैं उसी तरीके से हम गोल गोल करके रख देंगे। अगर आपकी ये डो ज़्यादा गीली हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा चना बादाम को पीस करके भी दे सकती हैं तो इससे सूखी हो जाएगी। और इसे हम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकती हैं मैंने 2 टीस्पून सरसों का तेल लिया है, ये इतना ही में फ्राई भी हो जाएगा और ये तेल भी छोड़ देगा। यहाँ पे मैं बारीक करके 3 से 4 डाल रही हूँ। एक बार में 4 डाल के मैं पकने दूंगी इसे मीडियम फ्लेम पे। जब हम साबूदाने को पकौड़े को इसमें डालेंगे तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, उससे पहले हाई रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं मैं इसी तरीके से सबको उल्टा दूंगी। एक एक करके सबको मैं इसी तरीके से उल्टा दूंगी और उल्टाने के बाद इस साइड से भी मैं गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता हमारा बनके तैयार होता है, खास करके व्रत में जो महिलाएं व्रत रखती हैं, जो दीदी बहनें व्रत रखती हैं उनके लिए तो और भी अच्छा होता है। कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो झट से ये बनाइए और खाइए। इसके बाद मैंने इसे साइड में लगा दिया और एक एक करके निकाल देंगे। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम, बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनके तैयार होता है। और दूसरा भी मैंने इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारा साबूदाना का पकौड़ा बना के तैयार कर लिया है और अब मैं इस प्लेट में सर्व करूँगी। बहुत ही टेस्टी, आप लोग दोस्तों एक बार ज़रूर इसे बना के ट्राई करें और खाएं और ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो और कैसी रही ये रेसिपी। अपनी फीलिंग्स ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।